अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पवेलियन ग्राउंड पर कबड्डी और वॉलीबॉल की टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकरों की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पवेलियन पर वॉलीबॉल और कबड्डी की टूर्नामेंट आयोजित की गई। कबड्डी और वॉलीबॉल की टूर्नामेंट में 35 जितनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर उत्साह से शिरकत की। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में गुजरात प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंत्री युति प्रदीप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, ऐसे में एबीवीपी की ओर से सभी का शुक्रिया भी अदा किया गया। आज बरोडा महानगर द्वारा खेल उत्सव नो आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां 35 जेवा रजिस्ट्रेशन थया छे कबड्डी अने वॉलीबॉल माटे। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदना टूर्नामेंट जे सतत 2 दिवस चालनारू छे, एमां बधा विद्यार्थीओ खेलना माध्यमथी परिषद साथे जोड़ाई रह्या छे। एबीवीपी वडोदरा द्वारा आजरोज 25 ફેબ્રુઆરી પેવેલિયન MS યુનિવર્સિટી ખાતે કબડ્ડી અને વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ટુર્નામેન્ટ 3 દિવસ ચાલનાર છે। આ ટુર્નામેન્ટની અંદર પૂરા વડોદરાની અંદરથી સ્કૂલો કોલેજોમાંથી 35થી પણ વધારે વોલીબોલની ટીમો, 35થી પણ વધારે કબડ્ડીની ટીમો આવી છે। આ બધાને અમે એબીવીપીના પરિવાર તરફથી વેલકમ કરીએ છીએ। આ ટુર્નામેન્ટની અંદર જે પણ વિદ્યાર્થી પરિષદને જે પણ લોકોએ મદદ કરી છે, લોકોને અહીંયાથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આ ટુર્નામેન્ટ આજે આપણને ખબર છે છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓની પણ ઉત્સાહ જળવાય, વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહથી ભરપૂર થાય, એ લોકોને પણ આવી ટુર્નામેન્ટની અંદર રમવાનો મોકો મળે, હેતુથી આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। आप सब विद्यार्थी मित्रों जेने अंदर पार्टी तो बधाने शुभेच्छाओं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।